Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope all of you are fine and you are learning better. Today we will do our English unit number 9. All is not lost, sab kuch khatam nahi hua, sab kuch raega nahi gaya. This chapter basically belongs to a nursing profession. There was a girl who was hit by a speedy bus and she was severely she had severe damages in her body and there was no hope of her recovery, and the nurse was very hopeful and she made some exercises, and after 3 months the patient was able to stand and walk on his own feet. But senior doctors were not hopeful about her condition. Let's start our lesson. पैराग्राफ नंबर 1. इट वॉज द बिगिनिंग, की आगाज था ऑफ माई प्रोफेशन, मेरे पेशे का एज अ नर्स, बतौर एक नर्स के, बतौर एक नर्स ये मेरे पेशे का आगाज था. आई वर्क इन द इंटेंसिव केयर यूनिट ICU, मैं इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट ऑफ न्यूरोलॉजी वार्ड असाबी वार्ड के इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में काम करती थी. एज अ यंग प्रोफेशनल, बतौर नौजवान पेशावर के, आई विश टू सेव द वर्ल्ड, मैं दुनिया को बचाना चाहती थी. आई वॉज एक्साइटेड टू सी पेशेंट्स, मैं मरीजों को देखकर खुश हो जाती. मेकिंग क्विक रिकवरीज, जल्द सेहतयाब होते हुए देखकर. फ्रॉम डिवास्टेटिंग एक्सीडेंट्स, जानलेवा तबाहकुन हादसा से, मैं मरीजों को तबाहकुन हादसा से तेजी से सेहतयाब होते हुए देखकर खुश हो जाती, जज्बाती हो जाती या पुरजोश हो जाती. ये टाइम वॉज पेंड और मुझे तकलीफ महसूस होती टू नर्स दोज, उन लोगों की देखभाल करके हु वर स्ट्रक विद एक्यूट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जो शदीद असाबी इंतशार का हमला होता है. यानी मैं उन लोगों की देखभाल करके तकलीफ महसूस करती जिन पर शदीद असाबी इंतशार का हमला होता. आप ये देख सकते हैं, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ ICU. आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हर तरह की मशीनें लगी हैं, हार्ट के लिए अलहदा है, हार्ट बीट को रिकग्नाइज करने के लिए ये हमारे पास अलहदा है, और ब्लड प्रेशर को और हर चीज़ को देखने के लिए हर तरह की मशीन यहाँ पर रखी गई है. हेयर आर सम वर्ड्स, सिनोनिम्स एंड सेंटेंसेस. रिकवरी, इम्प्रूवमेंट, द पेशेंट मेड अ क्विक रिकवरी फ्रॉम सीवियर एक्सीडेंट. Devastating, disastrous. It was devastating situation in the country. Struck, hit. He was struck with a speedy car. Disorder, disorganization. Sidra is facing spinal disorder. Now paragraph number 2, you can see that here in the picture a victim of an accident. One day, ek din, standing at the beside of a young bus accident victim. एक दिन एक नौजवान मरीजा के बिस्तर के पहलू में खड़ी मैं हैरान, आई वॉन्डर्ड, मैं हैरान थी. इफ़ शी कुड मेक द सेम रिकवरी एज अदर्स, कि वो दूसरों की तरह सेहतयाब हो सकती है. ओके, यंग बस एक्सीडेंट विक्टिम, यानी बस से टकराने वाली एक मरीजा. एक दिन एक नौजवान बस से टकराने वाली मरीजा के बिस्तर के पहलू में खड़ी मैं हैरान थी कि क्या ये भी दूसरों की तरह सेहतयाब हो सकती है. हीरा हैड रिसीव्ड हेड एंड स्पाइनल इंजरीज एज शी वॉज हिट बाय अ स्पीडिंग बस वाइल क्रॉसिंग अ बिजी रोड. हीरा हैड रिसीव्ड हेड एंड स्पाइनल इंजरीज, हेड यानी सर की एंड स्पाइनल रीढ़ की हड्डी की. हीरा को शदीद किस्म की बहुत सी सर और रीढ़ की हड्डी की चोटें आई थी. As she was hit by a speedy bus while crossing a busy road, क्योंकि मसरूफ सड़क अबूर करते हुए उसे एक तेज़ रफ्तार बस ने टक्कर मार दी थी. I took her lifeless arms in my hands, मैंने उसके बेजान बाजू अपने हाथों में लिए. And tried to do simple exercises on her, और उन पर मुख्तलिफ किस्म की सादा वर्जिशें करने की कोशिश की. But in vain, लेकिन बेसूद यानी कोई फ़ायदा ना हुआ. Victim, sufferer, he is victim of fate, lifeless, dead. Doctor hold his lifeless arms in his hands. Also I made her younger sister come, मैंने इसकी छोटी बहन से भी कहा कि वो आए. एंड टॉक टू हर, उससे बातें करे. थिंकिंग दैट, ये सोचते हुए, द वॉइस ऑफ अ नियर एंड डियर वन माइट
एक्टिवेट द नियरली डेड न्यूरॉन्स कि शायद उसके के करीबी रिश्तेदार की आवाज़ इसके तकरीबन मुर्दा असाब को गर्म सरगर्म कर सकती है। हर आइज शोड अ सर्टन हेल्पलेसनेस, उसकी आंखें एक बेचारगी को जाहिर करती थीं। आई कुड रीड हर माइंड थ्रू हर आइज, मैं उसके आंखों के जरिए उसके जहन को पढ़ सकती थी। परहैप्स शी वांटेड टू से, शायद वो कहना चाहती थी प्लीज़ हेल्प मी, बराए मेहरबानी मेरी मदद कीजिए। पैराग्राफ नंबर 3, अ फेलो नर्स केम नियर मी एंड आस्क्ड, एक साथी नर्स मेरे करीब आई और उसने पूछा, रहीला व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो, फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल, हारी हुई जंग लड़ रही हो। आई वॉज स्टॉप्ड एट फर्स्ट टू हियर माई कोलीग मेकिंग अ होपलेस कमेंट, पहले तो मैं अपनी साथी का मायूसाना तबसरा सुनकर मुझे दिली सदमा हुआ। देन आई रिप्लाइड, फिर मैंने जवाब दिया, आई एम ट्राइंग टू मेक हर ब्रेन प्रोसेस, मैं उसके दिमाग को काम करने के काबिल बनाने की कोशिश कर रही हूँ बाय हर सिस्टर्स वॉइस, उसकी बहन की आवाज़ से। मैं उसकी बहन की आवाज़ के ज़रिए से उसके दिमाग को काम करने के काबिल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ऑल्सो आई एम डूइंग माई बेस्ट टू इंश्योर दैट, और मैं इस बात को भी यकीनी करने की भरपूर कोशिश कर रही हूँ दैट हर आर्म्स एंड लेग्स गेट प्रॉपर एक्सरसाइज, के उसके बाजू और उसकी टांगें एक मुनासिब वर्जिश कर सकें। दिस माइट हेल्प हर वॉक लाइक अ नॉर्मल पर्सन, ये एक आम आदमी की तरह, एक आम इंसान की तरह चलने में उसकी मदद कर सकता है। पैराग्राफ नंबर 3, नेक्स्ट, मीनवाइल उसी वक्त सीनियर डॉक्टर ऑन ड्यूटी, ड्यूटी पर एक सीनियर डॉक्टर वॉकड इन अंदर आया, ही गेव मी एन आयरॉनिक स्माइल, उसने मुझे एक तंसिया मुस्कुराहट दी एंड सेड, और कहा, इफ़ यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर ड्यूटी आवर्स, अगर तुम अपने ज़्यादातर काम के घंटे ऑन वन पेशेंट, एक मरीज पर लगा दोगी, वी विल हैव टू रिक्रूट मोर नर्सिस टू अटेंड टू अदर पेशेंट्स, तो हमें दूसरे मरीजों को देखने के लिए मजीद नर्सों को भर्ती करना पड़ेगा। प्लीज़ गो एंड सी अदर पेशेंट्स, मेहरबानी करके जाइए और दूसरे मरीजों को देखिए। वी डोंट हैव मच होप फॉर हर, हमें इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। आई डोंट थिंक दैट शी कैन एवर वॉक अगेन, मेरा नहीं ख्याल कि ये कभी दोबारा चल पाएगी। आयरॉनिक नॉट कॉमन, शी हैज़ एन आयरॉनिक सेंस ऑफ ह्यूमर, रिक्रूट हायर द कंपनी, रिक्रूट न्यू एम्प्लॉयज। पैराग्राफ नंबर 4, आई वॉज अपसेट, मैं परेशान थी, दैट वॉइस टू लीव द पेशेंट, मरीज को छोड़ने की नसीहत एंड अनअटेंडेड डिड नॉट सीम राइट, मैं परेशान हो गई, मरीजा को बेतवजह छोड़ने का मशवरा दुरुस्त नहीं लगता था। आई न्यू दैट, मैं जानती थी कि शी हैड सफर्ड फ्रॉम मेजर न्यूरल डैमेज, के वो शदीद किस्म के असाबी नुकसान में मुबतला हुई थी। बट शी नीडेड टू बी गिवन अ चांस, लेकिन उसे एक और मौका देने की ज़रूरत थी। एंड इनर वॉइस समवेयर विद इन मी स्पोक, और मेरे अंदर कहीं मेरी अंदरूनी आवाज़ ने कहा, ट्राई वंस फॉर हर, कि उसके लिए एक मरतबा कोशिश करो। आई वेंट टू द सीनियर नर्स, मैं सीनियर नर्स के पास गई एंड टोल्ड हर दैट, और उसे बताया कि आई वॉन्टेड टू हेल्प दिस पेशेंट, कि मैं इस मरीज़ की मदद करना चाहती थी, एंड वर्क विद हर मोर क्लोजली, और इसके मजीद करीब होकर काम करना चाहती थी। द सीनियर नर्स लुक्ड एट मी, सीनियर नर्स ने मेरी तरफ देखा विद अटर सरप्राइज, बहुत ही हैरत के साथ, एंड रिमार्क्ड दैट, और ये तबसरा किया दैट She had orders from the doctor in charge to shift her to the general ward. कि उसके पास एक इंचार्ज डॉक्टर के अहकाम थे कि उसको आम वार्ड में भेज दिया जाए। The doctor thought that she was a hopeless case. डॉक्टर का ख्याल था कि वो एक hopeless case है, यानी जिसके बारे में किसी भी किस्म का कोई भी उम्मीद नहीं थी, यानी मायूसाना केस है। एंड द बेड मस्ट बी स्पेयर्ड फॉर अदर पेशेंट्स, और बेड को, बिस्तर को दूसरे मरीजों के लिए लाजमी खाली कर देना चाहिए। आई वॉज शॉक टू हेयर दिस, मुझे ये सुनकर बहुत ही सदमा हुआ। द पेशेंट्स फैमिली ऑल्सो रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प दम फाइट द केस, मरीजा के ख़ानदान ने भी मुझसे दरख्वास्त की कि इस केस को लड़ने के लिए उनकी मदद की जाए। समथिंग नीडेड टू बी डन, कुछ करने की ज़रूरत थी। आई कुडंट लीव माई पेशेंट फाइटिंग द लॉस्ट बैटल ऑन हर ऑन, मैं अपने मरीजा को किसी भी तरह से हारी हुई जंग लड़ने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकती थी। आई मेड अप माई माइंड टू रिस्क माई करियर, मैंने अपने नौकरी को खतरे में डालने का जहन बना लिया। एंड हेल्प द पेशेंट, और मरीजा की मदद की। आई रिक्वेस्टेड द सीनियर डॉक्टर्स टू अलाउ
आई मेड अप माई माइंड टू रिस्क माई करियर एंड हेल्प द पेशेंट। मैंने अपनी नौकरी को दांव पर लगाकर इस मरीजा की मदद करने का इरादा कर लिया। आई रिक्वेस्टेड द सीनियर डॉक्टर्स टू अलाउ मी टू अटेंड टू दिस यंग हेल्पलेस पेशेंट। मैंने बड़े डॉक्टर से दरख्वास्त की कि मुझे इस नौजवान बेबस मरीजा की खिदमत करने की इजाज़त दी जाए। Somehow I was able to make the patient stay in the ICU. किसी न किसी तरह मैं इस मरीजा को ICU में रखने में कामयाब हो गई। Utter absolute, it's hard to believe that we were utter strangers. Hopeless, unrecoverable, he felt confused and hopeless after losing his job. I continued to work on Hira. मैंने हीरा पर काम करना जारी रखा। But she was not making much recovery. लेकिन वो ज़्यादा सेहतयाब नहीं हो रही थी। I felt as helpless as she was to see her lie on bed in a miserable state. उसको बिस्तर पर खस्ता हालत में पड़े हुए देखकर मैं खुद को भी ऐसे ही बेबस महसूस करती थी जैसे कि वो खुद थी। Could I be able to justify my strength before the senior doctor? क्या मैं कभी बड़े डॉक्टरों के सामने अपने मौकफ का जवाब साबित कर सकती थी, क्योंकि उसने बड़े डॉक्टर सीनियर डॉक्टर्स के साथ बकायदा लड़ के उस मरीजा को ICU में रखकर उसकी मदद करने की ख्वाहिश की थी। तो वो सोच रही थी कि क्या ये जो मेरा रवैया था, क्या मैं इसको जस्टिफाई कर सकूंगी डॉक्टर्स के सामने। आई कंटिन्यू टू वर्क विद पेशेंट्स। मैंने सब्र के साथ काम करना जारी रखा एंड केप डूइंग एक्सरसाइजेस विद हर और उस पर वर्जिशें करती रही। ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता I could see her making a slight recovery. ऐसा ऐसा मैं थोड़ी सी सेहतमंदी देख सकती थी। One day I was thrilled to see her lift her little finger. एक दिन उसे वह छोटी उंगली उठाते हुए देखकर मैं पुरजोश हो गई। All was not lost, सब कुछ नहीं खोया था। Miserable, depressed, he had a miserable childhood. Justified, defend, he justified his point of view very clearly. Strength, attitude, he took an anti-war stance. Thrilled, excited, I was thrilled to launch my new product in the market. I was sent on the 3 months training course to Karachi. मुझे 3 महीने के training course पर कराची भेज दिया गया। I made all possible attempts. मैंने वो तमाम मुमकिन कोशिशें की to leave my patient in good hands. अपने मरीजा को अच्छे हाथों में देने के लिए मैंने पूरी मुमकिन कोशिश की कि अपने मरीजा को अच्छे हाथों में छोड़कर जाऊं। I returned after 3 months to see my patient's bed taken up by another. मैं 3 महीने बाद वापस लौटी तो देखा कि मेरी मरीजा के बिस्तर पर कोई और था। My feet froze to the ground. मेरे पांव जमीन के साथ जम गए यानी गड़ गए। I did not have the courage to ask what happened. मुझ में इतनी जरूरत नहीं थी कि मैं पूछूं क्या हुआ। As I stood near the bed with several questions popping in my mind, जैसे मैं बेड के करीब खड़ी थी और मेरे जहन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे, I felt a gentle pat on my shoulder. मैंने अपने कंधे पर एक हल्की सी थपकी महसूस की। I turned around to see a young woman smiling at me. मैं वापस मुड़ी और देखा कि एक नौजवान औरत मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। आर यू लुकिंग फॉर योर पेशेंट, क्या आप अपने मरीजा को ढूंढ रही हैं? शी सेड, उसने कहा, एंड गिव मी अ बिग हग और मुझसे गले मिल गई। थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू डिड, आपका बहुत शुक्रिया जो कुछ आपने किया। आई नो यू डिड नॉट अलाउ देम टू मेक मी लीड अ क्रिपल्ड लाइफ। मैं जानती हूँ कि आपने उन्हें इजाजत नहीं दी कि मैं माजूर जिंदगी गुजारूँ। Pop, come, appear. Some questions were popping up in my mind after seeing his miserable condition. Crippled, disabled, she spent a crippled life after accident. I stood still, मैं साकित खड़ी रही, until her family came around with big smiles on their faces. यहाँ तक कि उसके खानदान के बाकी अफराद भी अपने चेहरों पर मुस्कुराहट लिए हुए मेरे इर्द गिर्द आ गए। थैंक्स टू अल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्रिया। शी वॉज माई पेशेंट, वो मेरी मरीजा थी। स्टैंडिंग एंड वॉकिंग ऑन हर ऑन फीट, वो अपने पैरों पर खड़ी और चल रही थी। आई कुडंट रिकॉग्नाइज हर विदाउट द मशीनरी एंड ट्यूब्स अराउंड हर बॉडी। इसके जिस्म के गिर्द मशीनरी और ट्यूबों के बगैर में से पहचान ना सकी। शी वॉकड ऑन क्रचेस, वो बैसाखियों पर चलती थी। विच शी वुड लीव इन अ फ्यू मंथ्स, जो वो चंद महीनों में छोड़ देगी। आई वॉज ग्लैड, आई वॉज सो ग्लैड दैट, मैं इतनी खुश थी कि आई हैड डन द एक्सरसाइजेज ऑन हर टू कीप हर लिम्स इन मोशन।
मैं खुश थी कि मेरी कोशिशें मुकम्मल हुई। सबसे बढ़कर मैं खुश थी, आई वॉज ग्लैड दैट माई एफर्ट्स बोर। शी वॉक ऑन क्रैचेस, वो बैसाखियों पर चलती थी, विच शी वुड लीव इन अ फ्यू मंथ्स, जो वो चंद महीनों में छोड़ देगी। आई वॉज ग्लैड दैट, मैं खुश थी कि दैट आई हैड डन द एक्सरसाइजेस ऑन हर टू कीप हर लिम्ब्स इन मोशन, कि मैंने उसके लिम्ब्स को, उसके जो वेंस थी उनको हरकत में रखने के लिए उस पर वर्जिशें की। आई वॉज ग्लैड दैट माई एफर्ट्स बोर फ्रूट, मैं खुश थी कि ये मेरी कोशिशें कामयाब हुई। बट मोस्ट ऑफ ऑल, लेकिन सबसे बढ़कर ये, आई वॉज हैप्पी दैट अल्लाह ऑलमाइटी हैड हेल्प्ड मी विन अ लॉस्ट बैटल, कि अल्लाह ताला ने मेरी मदद की एक हारी हुई जंग जीतने में। शी एंड हर फैमिली हैड एंटर्ड इन टू अ कंसिडरेबल बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद मी, वो और उसके खानदान का मेरे साथ बहुत ही दोस्ताना ताल्लुक कायम हो गया। आई वॉज हम्बल्ड बाय देयर सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स मी, मेरे लिए उनके एहसास तशक्कुर ने मुझे मुनकसरुल मिजाज बना दिया। आई फेल्ट अ सेंस ऑफ रिन्यूड स्ट्रेंथ इन मी, मैंने अपने आप में एक नई किस्म की ताकत महसूस की। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह। आई वॉज प्राउड टू बी अ नर्स, मुझे एक नर्स होने पर फख्र था। कंसिडरेबल सिग्निफिकेंट, वी रिसीव्ड अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ कंप्लेंट्स। बॉन्ड रिलेशन, आई मीन बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद माई स्टूडेंट्स फैमिली। ग्रेटिट्यूड थैंक्स, वी रिमेंबर विद ग्रेटिट्यूड दोज हु डाइड डिफेंडिंग अवर कंट्री। रिन्यूड न्यू, वेन यू स्लीप योर बॉडी हैज When you sleep, your body has renewed itself. Nursing is underrated profession in Pakistan. Pakistan में जो nursing का profession है वो इतना ज़्यादा valuable नहीं है. We don't value it the way we value some other professions. हम उसको इतनी अहमियत नहीं देते जितनी अहमियत हम किसी दूसरे शोबों को देते हैं. The story highlights the importance of nursing profession. ये कहानी जो है वो nursing profession के बारे में वजाहत करती है, यानी उसको highlight करती है, and how the sincere effort and strong determination of a nurse saves a patient from near crippled stage. कि किस तरह से एक नर्स की कोशिशें और उसका पुख्ता इरादा जो है वो एक मरीज़ा को माजूर ज़िंदगी से बचा लेता है. We will wind up our lecture by the hadith. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne irshad farmaya, wallahu fi aunil abdi ma khan al abdu fi auni akhihi. Allah taala bande ki madad karta rehta hai jab tak banda apne bhai ki madad mein laga rehta hai. Yani ki jab tak aap dusron ki madad karte rahenge tab tak dusra insaan जो अल्लाह ताला की ज़ात है उन लोगों की मदद करने के बदले अल्लाह आपके काम करता रहता है. सो प्लीज़ बी आ है. Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the video. Thank you very much.